एनकाउंटर में मारे गए बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की मां सरला देवी ने फरार चल रहे छोटे बेटे दीप प्रकाश दुबे से सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दीप प्रकाश सामने आ जाओ और सरेंडर कर दो, नहीं तो पुलिस तुम्हें मार देगी। जहाँ कहीं हो दीप प्रकाश तुम आ जाओ, पुलिस के सामने आ जाओ, चाहे हाजिर हुई जाओ या घर में फोन कर दो। जहाँ भी कहीं हो तो घर में फोन कर दो, तुम्हारी सुरक्षा सब हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पुलिस भी कहती तुम निर्दोष हो, तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमको कुछ नहीं होगा। एक भाई के रिश्ते से तुम भागो मत, भागे से नहीं बचोगी। कभी वो संपर्क करने की कोशिश नहीं की आप लोगों से? नहीं नहीं, एक फोन भी नहीं आया उस दिन से। जो करते तो कुछ बात होती, उनको समझा दिया जाता कि जल्दी पुलिस के सामने आ जाओ, पुलिस तुमको कुछ नहीं करेगी। हाँ, वो कहते कि तुम चोर नहीं हो, तुम नहीं हो कुछ, तुमने कुछ नहीं किया है, तो तुम क्यों डरते हो? तुम सामने आओ, बात करो, अपनी बीवी बच्चे के सामने बात करो। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पूछताछ आपसे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने फरार दीप प्रकाश पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वह बिकरू हत्याकांड के बाद से ही फरार है। उसके खिलाफ विनीत पांडे की तहरीर पर कृष्ण नगर थाने में धोखाधड़ी और रंगदारी के मामले में FIR दर्ज है। न्यूज डेस्क।